आज हम लोग बनाने वाले हैं पंजाब की फेमस अमृतसरी पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी आप लोगों ने भी घर में बहुत बार बनाया होगा, पर इस तरीके से एक बार बना के देखिए, आपको टेस्ट बिल्कुल ही अलग और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। और जब ये अपना कलर चेंज करने लग जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर, लगभग 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इस टाइम इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छे से भूनेंगे और जब ये कलर बिल्कुल चेंज कर दे तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है हमें, तो इस तरीके से पानी ऐड करते हुए पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरी कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है 1 स्पून और उसमें डाला है 50 ग्राम बटर। ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि ऑयल अगर पहले डाल देते हैं बटर के साथ तो बटर आपका जलता नहीं है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 पीस जावित्री, 1/2 चम्मच जीरा, 2-4 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और इनको फाइनली चॉप किया हुआ है। इनको ऐड कर देंगे बटर में और थोड़ा सा इसको पिंक करेंगे, सौते कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और उनको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और सौते कर लेंगे अच्छे से। और जब टमाटर पक जाए हमारा तो इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अभी इसको सौते कर लेंगे अच्छे से। और अब हमने जो बेसन का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको भी साथ में सौते कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम पनीर, इसको हाथों से अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेंगे और इनको इसमें ऐड कर देंगे साथ ही साथ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दूध और इनको भी अच्छे से चलाते हुए हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और इस तरीके से आपकी ये अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके तैयार है। इसको आप कुलचे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब इसको प्लेट कर लेते हैं। यस, इट इज़ परफेक्टली डन। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हरी धनिया पत्ती से। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है आपकी अमृतसरी पनीर भुर्जी। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइए। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।